वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम देखेंगे जो कार के म्यूजिक प्लेयर होते हैं उसकी जो वायरिंग होती है वो किस तरीके से होती है, और उनके कलर कोड जो होते हैं किस तरीके के होते हैं। जितने भी म्यूजिक प्लेयर हमारे आते हैं, कि चाहे वो किसी भी कंपनी का, उन सबकी कलर कोड और वायरिंग सब एक ही तरीके से होती है। तो आज हम इस वीडियो में अगर आप ये देख लेंगे कि म्यूजिक प्लेयर की जो ये वायरिंग होती है किस तरीके से होती है, तो आपकी भले वो सिंगल डिन म्यूजिक प्लेयर हो या डबल डिन जो बड़े वाले स्क्रीन वाले आते हैं, आप किसी की वायरिंग आराम से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं कि म्यूजिक प्लेयर जो कार म्यूजिक प्लेयर होते हैं उनकी वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पावर की वायरिंग। पावर वायरिंग हमारे तीन होती है, ये जो येलो वाली वायर है और रेड वाली वायर है, दोनों हमारी पॉजिटिव होती है और ब्लैक वाली नेगेटिव होती है। तो जब अगर हमारी दोनों वायर पॉजिटिव होती है तो हम अलग अलग क्यों नहीं होती है? तो जो मेन पावर जो होती है हमारे जो म्यूजिक प्लेयर को, जो म्यूजिक प्लेयर के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे उन्हें पावर देने के लिए जो यूज़ की जाती है वो वायर होती है येलो वाली वायर। और जो मेन जो म्यूजिक प्लेयर को हमारी जो अंदर एक मेमोरी लगी होती है, मेमोरी जो हमारी सारी डिटेल को सेव करती है, और जब भी हम म्यूजिक प्लेयर को चलाते हैं तो वो भी हमारी सेटिंग एज इट इज़ बिल्कुल सेम रहती है, और टाइम वगैरह बिल्कुल सही रहता है। तो उस मेमोरी को पावर देने के लिए जो पावर यूज़ होती है वो वायर होती है रेड वाली वायर। और अभी आप कभी भी आप अपनी म्यूजिक प्लेयर की वायरिंग चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो येलो वाली वायर है और जो ब्लैक वाली वायर है मोटी है, और जो रेड वाली वायर है वो पतली है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेन म्यूजिक प्लेयर जो मेन वायर होती है जिसमें लोड आता है वो वायर होती है येलो और ब्लैक, और जो रेड वाली वायर होती है ये मेमोरी को पावर देती है हमारी। और जब भी आप हम म्यूजिक प्लेयर को जब भी हम म्यूजिक प्लेयर को ऑफ कर देते हैं तो जो हमारा म्यूजिक प्लेयर को ये जो रेड वाली वायर है कॉन्स्टेंटली पावर देती रहती है, जिससे हमारा म्यूजिक प्लेयर जब भी हम ऑन करते हैं तो सारी सेटिंग हमारी सेव रहती है, और जो भी हमारा टाइम वगैरह है वो चेंज नहीं होता है। आती है ये ब्लू वाली वायर, ये जो ब्लू वाली वायर होती है इसे कहते हैं रिमोट वायर। जो हमारे म्यूजिक प्लेयर और एम्पलीफायर के इस ट्यूब के पीछे लिखा होता है REM, उसका मतलब होता है रिमोट। तो जो उस REM में जो तार लगती है वो ये तैयार होती है, और ये तार क्या काम करती है, जब हमारी जैसे ही हमारा म्यूजिक प्लेयर ऑन होता है तो हमारे एम्पलीफायर या बेस ट्यूब भी ऑन हो जाती है, और जैसे हम अपना म्यूजिक प्लेयर बंद करते हैं तो बेस ट्यूब या एम्पलीफायर भी बंद हो जाता है। तो उसके लिए ये वायर काम करती है। अगर आपको अपनी गाड़ी में बेस ट्यूब या एम्पलीफायर जोड़ना है तो उसमें अगर जो रिमोट वाली वायर होती है तो उसमें ये जोड़ना है। तीन उसमें वायर मिली होती है हमें, पॉजिटिव, नेगेटिव और रिमोट। वो रिमोट वाली वायर आपकी ये वाली वायर है जो एक बिल्कुल ब्लू होती है, और उसके साथ एक वायर और होती है हमारी इसमें दी गई है ब्लू, और इसमें वाइट स्ट्रिप पड़ी हुई है। ये वायर क्या काम करती है, ये वायर हमारी जो गाड़ी में हम पावर एंटीना लगाते हैं FM के लिए AM के लिए, जो पावर जिसे पावर दी जाती है, तो उस पावर देने के लिए इस वायर का यूज़ करा जाता है। और ये भी ये काम करती है, जब हम म्यूज़िक प्लेयर ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, ऑफ़ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। हो गई हमारी याली तारें, बची दो तारे और बाकी हमारी ये जो दो तारे होती हैं ब्राउन होती है या ऑरेंज होती है, तार हमारी होती है गाड़ी की जो हम हेडलाइट रात को ऑन करते हैं, तो जो इसकी म्यूजिक प्लेयर की जो आगे हमारी लाइट होती है उसे डिम करने के लिए ये दोनों वायर यूज़ होती हैं। और बाकी जो हमारी सेम कलर की वायर होती है ये तो होती है हमारे स्पीकर की वायर। ये जो हमारी प्लेन वायर होती है, जैसे ये दो सेम कलर की वायर, तो इसमें एक का वायर प्लेन है बिल्कुल, और एक वायर में एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप पड़ी है, तो जिसमें ब्लैक स्ट्रिप पड़ी होगी वो वायर होती है नेगेटिव, और जो बिल्कुल प्लेन वायर होती है वो होती है पॉजिटिव। तो और इसी तरीके से बाकी तार भी है, जैसे चारों स्पीकर की तार दी गई है, दो दो चार 6 2 8, ये चारों स्पीकर के लिए अलग अलग तार दी जाती है। और ये जो म्यूजिक प्लेयर की मैंने आज आपको वायरिंग बताई, ये वायरिंग सिर्फ इसी म्यूजिक प्लेयर के लिए, जितने भी म्यूजिक प्लेयर आते हैं आपके कार में लगने वाले उन सब में यही वायरिंग यूज़ की जाती है। और इसी तरीके के कलर कोड आपको मिलेंगे, थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल जो पावर के होंगे वो सेम रहेंगे। ये तीन जो वायर जो है ब्लैक ब्लैक येलो और रेड, ये पावर के सेम रहेंगे। और जो रिमोट के वायर होंगे, रिमोट वायर जो हमारे एम्पलीफायर या बेस ट्यूब को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं, तो इतने वायर हमारे मेन काम के होते हैं। तो ये वायरिंग ये होती है। तो जब भी हम म्यूजिक प्लेयर की वायरिंग करें, और तो करने के लिए सबसे हमें सोल्डर का यूज़ करना है। आपने सोल्डर यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो म्यूजिक प्लेयर की अगर हम हाथ से छील के अगर वायर को लगा देते हैं तो क्या होता है, जो वायरें होती हैं वो आप हिलते हैं गर्म होने के साथ थोड़ी सी लूज़ हो जाती है, लूज़ होने के साथ म्यूजिक प्लेयर हमारा कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है, और सही तरीके से काम या फंक्शन सही कर नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए बचने के लिए
आपने जितनी भी वायरिंग हुई हमारी म्यूज़िक प्लेयर में, सारी वायरिंग को शोल्डर आयरन की मदद से शोल्डर करके अच्छे से कनेक्ट करना है।